हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल के बीच इंडियन नेवी ने भारतीय जल सीमा के नजदीक चीन के युद्धपोत और पनडुब्बी का पता लगाया है। इंडियन नेवी के सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने इस पेट्रोलिंग के दौरान चीनी युद्धपोत की तस्वीरें ली है। नौसेना के पेट्रोलिंग विमान ने चीनी पोत के अलावा एक एटमी पनडुब्बी को भी ट्रैक किया है। चीनी पोतों के घुसने के तुरंत बाद नेवी ने निगरानी बढ़ा दी और संबंधित रक्षा विभागों को इसकी सूचना दी गई। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अब तक कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। बीती रात भी सीमापार से लगातार फायरिंग और मोर्टार दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में कई नागरिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। वहीं भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और भारत की तरफ से गोलीबारी के बीच जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच सेना को कश्मीर में मेंढर सेक्टर के बालाकोट इलाके में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार भी मिला है, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों में साथ ही 13 ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां इस मानसून में अब तक 77.5 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इससे पहले यहां 1944 में सबसे ज्यादा 62 इंच पानी बरसा था। वहीं शुक्रवार शाम से रविवार सुबह तक 9 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते 200 गांव में बाढ़ का पानी आ चुका है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 117 गांवों को खाली करवा लिया है और अब तक 20,000 लोगों को 55 राहत कैंपों में पहुंचाया जा चुका है। राजस्थान में चंबल नदी बाढ़ का पानी आने के साथ ही आगरा मुंबई रोड को जोड़ने वाला पुल पानी में डूब चुका है। यहां कालीसिंध बांध से पानी छोड़े जाने के बाद पानी पुल से 12 मीटर ऊपर चल गया। वहीं दूसरी तरफ करीब 50 गांव में पानी भर आया, जिसके चलते 67 गांव की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई। चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ के बाद स्कूल में फंसे बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये बच्चे पिछले 50 घंटे से शिक्षकों के साथ स्कूल में फंसे गए थे। ऑनलाइन टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर उनके घर रवाना किया। कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। उन्होंने रावतभाटा उपखंड क्षेत्र के राणा प्रताप सागर के बहाव क्षेत्र को देखा है। वहीं इस सर्वेक्षण में सीएम गहलोत के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, आपदा मंत्री भंवरलाल मेघवाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 69वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर वो गुजरात में ही रहकर अपनी मां का आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी आज रात 11 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई मंत्री एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत के लिए पहुंचेंगे। जन्मदिन पर पीएम मोदी नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का दौरा भी करेंगे। दरअसल पहली बार सरदार सरोवर बांध पूरा 138 मीटर तक भर गया है। बांध पूरा भरने के मौके पर 17 सितंबर को गुजरात सरकार पूरे राज्य में नमामि देवी नर्मदे महोत्सव मनाएगी। इसके लिए राज्य भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन बंद करने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। रूपाणी ने कहा है कि अब उसे पीओके को भी खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बात रूपाणी ने वडोदरा में भारत एकता मंच की रैली को संबोधित करते हुए कहा है। साथ ही उन्होंने कश्मीर में धारा 370 रद्द करने का जिक्र भी किया। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए रामपुर सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से अरशद अली को रामपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान की जीत के बाद ये सीट खाली हो गई थी। आंध्र प्रदेश के विधानसभा के पूर्व स्पीकर
को डीलर शिव प्रसाद राव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। उनको हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, उनको वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। शिव प्रसाद और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के बीच काफी तनाव बना हुआ था। कश्मीर मसले से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। इस दौरान आर्टिकल 370 हटाए जाने और पाबंदियों के खिलाफ दायर 8 पीआईएल पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की है। बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े और जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर शामिल थे। कश्मीर से जुड़ी ये याचिका तहसीन पूनावाला, पत्रकार अनुराधा भसीन, शहला रशीद, सीताराम यूचरी, वाइको और गुलाम नबी आजाद समेत कई लोगों ने दायर की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत मांगी थी। आर्टिकल 370 हटाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया गया। जम्मू कश्मीर के हालातों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जरूरत पड़ने पर कश्मीर जाने की बात कही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश से लोगों की कोर्ट से मदद मांगने में होने वाली मुश्किलों को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जाकर देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लेने पर जवाब दिया गया है। केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। इस कानून के तहत किसी को भी शांति भंग करने के शक में 2 साल तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा जा सकता है। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस मीटिंग में अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए हैं। मीटिंग में कश्मीर सहित देश में कई सुरक्षा मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। इस मीटिंग में अमित शाह, अजीत डोभाल के साथ सचिव एके भल्ला और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की लाइव स्ट्रीमिंग करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि रजिस्ट्री की रिपोर्ट के बाद लाइव स्ट्रीमिंग की कार्रवाई मामले में फैसला किया जाएगा। अयोध्या जमीन विवाद मामले में एक बार फिर नया मोड़ आता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में एक तरफ फिर से मध्यस्थता की मांग की गई है। ये मांग सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने की है। बोर्ड ने इसे लेकर मध्यस्थता पैनल के 3 जजों को चिट्ठी भी लिखी है। अनजान शख्स की तरफ से देश भर के 20 रेलवे स्टेशन और मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी भरा खत मिला है। यह खत रोहतक के स्टेशन अधीक्षक को दिया गया है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपनी पहचान जाहिर न करते हुए खुद को जिहादी बताया है। वहीं इस मामले में आरपीएफ और जीआरपी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। धमकी भरे इस खत में रोहतक, अंबाला, मुंबई, करनाल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, पानीपत समेत देश भर के 20 रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने की बात कही गई है। साथ ही खत भेजने वाले ने चेतावनी भी दी है कि उसकी धमकी को हल्के में न लिया जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के हरियाणा के दौरे पर हैं। यहां से जेपी नड्डा ने अपने मिशन 75 की शुरुआत की है। इसके साथ ही वो सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। हरियाणा में एनआरसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना रुख साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि मनोहर लाल ने जो कहा वो कानून है और विदेशियों की पहचान होनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का आज 74वां जन्मदिन है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम जेल में ही अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बीच जन्मदिन पर चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम ने ट्विटर पर एक चिट्ठी शेयर की है। इसमें उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मोदी सरकार पर हमला भी किया है।
हरियाणा में आज से नए ट्रैफिक रूल के मुताबिक चालान काटे जाएंगे। डीजीपी मनोज यादव के निर्देश के मुताबिक 13 सितंबर से शुरू हुआ नए ट्रैफिक नियमों से जुड़ा अभियान आज खत्म हो चुका है और आज से नए ट्रैफिक रूल के हिसाब से नियम तोड़ने पर चालान काटा जाएगा। हरियाणा के करनाल जिले में चल रहे रविदास समाज के धरने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर आज शामिल हुए, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही वादा किया कि हरियाणा में अगर उनकी सरकार आती है तो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। हरियाणा चुनाव को देखते हुए सिरसा में आज कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी रणजीत ने किया। वहीं गांव वालों की तरफ से कांग्रेसी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव में आज सर्व समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नांगल चौधरी से वीरेंद्र गोठड़ी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। मीटिंग में मौजूद 15 गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच और दूसरे लोगों ने वीरेंद्र को विधानसभा चुनाव में समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। मानेसर लैंड स्कैम मामले में आज पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि मामले में दूसरे सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। वहीं आज मामले में आरोपी जसवंत सिंह पर लगाए गए आरोपों पर सीबीआई कोर्ट में बहस भी हुई। हरियाणा के कैथल जिले में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सुरजेवाला ने बीजेपी पर वोट की राजनीति करने और पिछड़ी जाति वालों के लिए काम न करने का आरोप भी लगाया। बल्लभगढ़ जिले में सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ को फल बांटे। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम त्रिलोक चंद समेत डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही। वहीं विधायक मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान अपने काम गिनवाए। यमुनानगर जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में बनी विमल एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड में गैस लीकेज की वजह से आग लग गई। हादसे में 7 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद मजदूरों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। सोनीपत जिले के महलाना गांव में एक शख्स का शव बरामद हुआ है। शव के पास से ही शराब की कुछ बोतलें भी मिली हैं और लाठी डंडे भी बरामद हुए हैं, जिसको देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि शख्स की पीट पीट कर हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी जिले में पैर का इलाज कराने आए एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक का नाम अरुण भांडोर है, जिसका कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था। वहीं मृतक के परिजनों ने शख्स की मौत पर हंगामा करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। हरियाणा और असम के साथ ही यूपी में भी अब एनआरसी लागू किया जा सकता है। इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। सीएम योगी ने इस बात का इशारा किया है कि यूपी में रह रहे विदेशियों को निकालने के लिए यूपी में भी एनआरसी लागू किया जा सकता है। वहीं यूपी में एनआरसी लागू करने को लेकर यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बयान दिया है। श्रीकांत शर्मा का कहना है कि सरकार घुसपैठियों को लेकर सख्त है और इसलिए यूपी में भी एनआरसी लागू की जा रही है। इसकी मदद से यूपी में रह रहे घुसपैठियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के कानपुर जिले पहुंचे। यहां उन्होंने 500 करोड़ की 50 योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने दावा किया है कि यूपी लगातार विकास कर रहा है और सरकार आने वाले दिनों में लोगों के लिए दोगुने विकास का काम करने की तैयारी है। लखनऊ में आज पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले बीजेपी ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। पीएम मोदी के जीवन की उपलब्धियों पर लगी इस प्रदर्शनी को बीजेपी ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत ही लगाया।
वहीं इस प्रदर्शनी को पीएम मोदी की जिंदगी से जुड़े तमाम चित्रों से सजाया गया। सिद्धार्थनगर जिले में आज सांसद जगदंबिका पाल ने जनता चौपाल लगाए। इस दौरान उन्होंने शहरी विकास सदस्य के चेयरमैन बनाए जाने पर जनता का शुक्रिया अदा किया। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फुलवापुर, बनगवा, सहरी, पुरैना सहित कई गांव के लोगों का सम्मान समारोह में सम्मानित भी किया, साथ ही लोगों की समस्याओं को खत्म करने का वादा किया। यूपी के बाराबंकी जिले में करीब 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर मिलने के बाद खबर मिलने के बाद ही मौके पर पहुंचे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया और फिर अजगर को बोरी में बंद करके वन विभाग को सौंपा गया। गोरखपुर में हरेला थाना इलाके के बेरली पार में हादसे के बाद जाम लग गया। लोगों का आरोप है कि रोड एक्सीडेंट के बाद पीड़ित को कुछ लोग इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए जाम लगाया। यूपी और एमपी के बॉर्डर पर बसे जिले चित्रकूट में पुलिस और बबली कोल गैंग के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस इस मुठभेड़ के बाद गैंग के मुखिया और 6 लाख के इनामी बबली कोल के मारे जाने का दावा कर रही है। वहीं पुलिस मुठभेड़ के बाद जंगलों में छिपे बदमाशों की तलाश करने में भी जुटी हुई है। चीनी कंपनी लेनेवो के मिड रेंज लेटेस्ट स्मार्टफोन लेनेवो K10 नोट की बिक्री आज से शुरू हो गई। इस स्मार्टफोन को ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर 13,999 की कीमत में लॉन्च किया गया था। फोन को फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक बज के क्रेडिट कार्ड और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से 5% डिस्काउंट से खरीदा जा सकता है। साथ ही फोन पर नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। रविवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। रविवार को 4 महानगरों में पेट्रोल की दरों में 6 से 7 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला था। वहीं डीजल की दरें 6 पैसे प्रति लीटर महंगी हुई थी। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 72.03 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल 65.43 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के पीछे सऊदी में अरामको तेल कंपनी पर ड्रोन हमला वजह बताया जा रहा है। इस हमले के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी अरामको ने उत्पादन में कटौती कर दी थी, जिसके बाद अब लंदन का ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 19.5% बढ़कर 71.95 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो कि 14 जून को 1991 के बाद कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ा उछाल माना जा रहा है। तेल कंपनी अरामको पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन हमलों में हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे और विमान वाहक पोत तो उसकी मिसाइलों के दायरे में। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 को लेकर उनके फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म को रिलीज होने में अभी 40 दिन से ज्यादा वक्त बचा है, लेकिन उनके फैंस अभी से फिल्म का पोस्टर देखने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए फैंस लगातार ट्विटर पर वी वांट हाउसफुल 4 पोस्टर लिखकर फनी मीम्स पोस्ट कर रहे हैं, जो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म वॉर को लेकर चर्चा है। इसमें वो ऋतिक रोशन के साथ फाइट करते नजर आएंगे। दोनों सितारों को एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है। ऐसे में फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं कि कब फिल्म रिलीज होगी। चर्चा है कि फिल्म में टाइगर की एंट्री सीन को बड़े लेवल पर तैयार किया गया है और इसे बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा सीन बताया जा रहा है।
इन दिनों वरुण धवन अपनी नई फिल्म कूली नंबर एक को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग तैयार कर ली है। वो सोशल मीडिया पर अक्सर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तस्वीर और वीडियोस को शेयर करते रहते हैं। हाल में उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो शर्टलेस होकर डांस कर रहे हैं। इसमें उनका साथ फिटनेस ट्रेनर प्रशांत सामंत दे रहे हैं।